मेघा परिमार, मेघा परमार पर्वतारोही। मेघा परमार जी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की रहने वाली एक जुनूनी पर्वतारोही और तकनीकी स्कूबा गोताखोर हैं। आपने पर्वतारोहण के क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार अर्जित किए। मेघा 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला बनी। चार अन्य महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पहाड़ों को भी आपने फतह किया। मेघा ने बंगाल की खाड़ी में 27 मिनट में 147 फीट की गहराई तक गोता लगाकर तकनीकी स्कूबा डाइविंग का एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। इसे हासिल करने वाली दुनिया की आप पहली महिला हैं। मेघा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए मध्य प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर हैं। दखल परिवार मेघा परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मैं कहूंगी कि यदि मैंने आज तक यदि पहाड़ों की चोटी को फतह किया है या टेक्निकल स्कूबा डाइविंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है अवसर देने वाला या स्पॉन्सर करने वाला। ये कार्यक्रम है क्योंकि स्पॉन्सर का बहुत महत्व होता है। वो अपनी खून पसीने की कमाई करने के बाद किसी खिलाड़ी पे लगाता है जो कि डूब भी सकता है। तो ऐसे एक भैया यहाँ खड़े हैं और एक भैया वहाँ बैठे हैं, तो ऐसे लोग भी हमारे बीच हैं जो खिलाड़ियों पे भरोसा करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं यही कहूँगी अनुराग भैया, दखल देते रहिएगा। दखल देते हैं तो चीज़ें अच्छे से होती हैं। और यदि मैंने विश्व रिकॉर्ड जिस दिन बनाया था तो मेरा BCD बॉयंसी कंट्रोल डिवाइस, जिसकी वजह से आज मैं आपको इतनी हेल्दी सी दिख रही हूँ। जब समंदर के अंदर जाते हैं तो नाइट्रोजन के बबल्स आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ कर लेते हैं। ऊपर आने के बाद यदि आप सीधे ऊपर आ जाओगे तो पैरालाइज हो सकते हो। ऊपर आने के 2 दिन बाद तक ये पता नहीं होता है कि आप जिंदा रहोगे या मर जाओगे। तेज चलना मना होता है, वरना ब्लड वो बबल हार्ट तक पहुँचा के कार्डिया अरेस्ट कर देगा। नीचे जाते तो इक्विपमेंट फट जाते हैं प्रेशर की वजह से। मेरा BCD बोयंसी कंट्रोल डिवाइस फट गया था और मुझे तुरंत नया इक्विपमेंट खरीद के दिलवाने वाले शख्स यहाँ खड़े हैं। और जब मैं मेरे बगल में खड़े मेरे भैया से मिली थी, कहते हैं ना कि बहुत सारी बातों से महत्वपूर्ण होता है, एक बात मैं कहना कि जीवन में आगे बढ़ते जाना, तिलक लगाना पर प्रभु जी के सामने लगवाना। धन्यवाद। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।